तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कपड़े से डोरी लटकन कैसे बनाई जाती है। बहुत ही आसान तरीके से आपको यह सीखने को मिलेगा। तो देखिए, यह है कपड़ा और यह है सीधी साइड, यह है आड़ी। तो हमने पट्टी कट कर दी है ओरे पोजीशन में। तो जब हम किसी भी कपड़े को ये इस तरह तिकोना फोल्ड करते हैं, ये देखिए इस तरह से, इस पे पहले हम प्रेस लगा लेते हैं तो ये वाली साइड जो है ओरेब हो जाती है। तो मैंने ये इसमें पट्टियाँ कट करनी है क्योंकि मैंने 6 डोरियाँ पलटनी है कुर्ती में लगाने के लिए। ये कट कर लेंगे हम एक एक इंच चौड़ी पट्टी। तो ये 6 पट्टियाँ मैं इसलिए कट कर रहा हूँ, दो दो लगेंगी चाकू में और दो लगेंगी बैक में। तो मुझे 6 पट्टियाँ इसमें पलटनी है और यह लटकन बनानी है। तो ये आ चुके हैं मशीन पर। सबसे पहले मैं एक पट्टी आपको पलट के और लटकन बना के दिखाता हूँ। इसकी हम डोरी पलटेंगे और ये देखिए टुकड़े मैंने कट किए हैं। ये देखिए 3x3 के हमने टुकड़े कट करने हैं, 3 इंच चौड़ा 3 इंच लंबा। सबसे पहले हम डोरी पलटेंगे। तो देखिए इसको ऐसे फोल्ड करके हमने लगभग एक सूत पे सिलाई लगानी है, एक पॉइंट पे, ताकि हम इसको पलट सकें। तो पट्टी को हमने खींच के रखना है क्योंकि पट्टी होती है स्ट्रेचेबल। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी, देखिए। अब हमने एक सुई लेनी है और उसमें चौरा धागा डालना है। तो ये मशीन की सुई भी आप ले सकते हैं। ये देखिए मैंने मशीन की सुई में धागा डाला हुआ है। इसको हमने ऐसे पिरोना है, ये देखिए इस तरह से, और ये यहाँ पे एक फंदा बनाना है इस तरह से। इसके बीच में को निकाल के यहाँ पे इसको फंसा के, वो तो देखिए इस तरफ से हमने सुई को घुसाना है और इस तरह से हमने उसको अंदर पिरोते जाना है। और हमने इसको दूसरी तरफ निकाल के किसी चीज़ में हमने इसको बांध लेना है, जैसे मशीन में ही हम बांध सकते हैं इसको ऊपर जहाँ पे गज होता है। और देखिए हमने इसको इस तरह से धीरे धीरे, ये देखिए कपड़े को ऐसे घुसाना है और ऐसे धीरे धीरे से खींचना है। तो ये पिसल पिसल के अंदर चला जाता है, ये देखिए ऐसे। इसको ऐसे खींचते रहना होता है। तो ये देखिए दूसरी तरफ से यह निकल गई है। तो ये डोरी हमारी बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अब हमने इसमें फ्लावर बनाने हैं, यानी लटकन लगानी है कपड़े से। तो ये जो हमने टुकड़े कट किए हुए हैं, इनको इस तरह से तिकोना फोल्ड करना है ऐसे। और कुछ इस तरह से हमने डोरी को रखना है, बिल्कुल बीचों बीच, और इस तरह से फोल्ड करके हमने इस पे सिलाई लगा देनी है।
तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। इसका मार्जिन हमने इस तरह से कट करना है, ये देखिए, और फिर हमने इसको ऐसे पलट देना है। तो ये सारे ही फूल हमने ऐसे ही लगाने हैं इसमें। ये देखिए काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इसके अंदर आई है। तो सभी को हमने ऐसे ही लगाना है। तो ये निशान भी हम लगा सकते हैं ताकि हमारे फ्लावर पूरे बराबर। तो जहाँ हमने ये निशान लगाए वहाँ पे हम इसकी चोंच रखेंगे, देखिए इस तरह से, ये यहाँ पे। तो सभी फ्लावर हमने ऐसे ही लगा लेने होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी सुंदर यह है लटकन बन चुकी है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो हमारी लटकन काफ़ी सुंदर देखिए ये बन चुकी है। मैं सभी को इनको ऐसे ही बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने सारी ही इस तरह से ही यह बनाई है और अब मैं यह कुर्ती में लगाऊँगा। दो दो चाकों में लगेंगी और दो यह बैक गले में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों।